हेलो माई डियर टेंथ बोर्ड एस्पिरेंट्स माय नेम इज़ नेहा सचदेव एंड एन आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स द बस तो अभी हमें क्या देखना हमारी मैडम ने कोई बस नहीं चलाई थी बट वाली बस राइड पर गई थी ठीक है तो वन शॉट में आई होप जो कंप्लीट वन शॉट आपने लाइव में देखा है या फिर आपने रिकॉर्डेड में देखा है आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गई है ऑल दो ये काफ़ी सिंपल भी थी कुछ वर्ड्स थे बस जो ट्रिकी थी अदरवाइज चैप्टर बहुत सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था तो अब हमारी ड्यूटी बनती है एक यू you नो know, हमने जो वाटर की विजल दो वाटर में हमने एक प्रैक्टिस uh, देखी थी एक यू नो कंपल्सिव हैबिट हमने डेवलप कर ली थी कि पहले हम वन शॉट देखेंगे उसके बाद एन

119. तो वॉट वॉज वाल इज फेवरेट पास टाइम वो घंटों अपने घर के बाहर गेट पे खड़ी रहती और आने जाने वाली बस को देखती रहती लोगों को देखती रहती और उसको इसी सब चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता था सो वल इज़ फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ फ्रंट डो वे ऑफर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड तो घर के बाहर बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हो जाती और बिल्कुल बाहर जो लोग इधर उधर जा रहे हैं स्ट्रीट पे जो हलचल हो रही उसको वो सब देखने में बहुत ज्यादा मजा आता यही उसका फेवरेट पास टाइम था स्पेसिफिकली जब वली की मामा आफ्टरनून नैप लेती थी तो वली अपने बिल्कुल डोर वे ऑफ द हाउस पर खड़ी हो जाती और घंटों बाहर देखती रहती थी Now, हेडिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वॉज द सोर्स ऑफ अनएिंग जॉय फॉर वली वॉट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर तो क्या सोर्स था अन एंडिंग जॉय का वली के लिए ऐसी कौन सी चीज़ लाइक दैट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएिंग जॉय जो बहुत उसको फैसिनेट कर रही थी वो चीज़ बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर रही थी उस चीज़ में राइडिंग का बस एक बस राइड करनी थी वली को सो वॉट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर टू गो फॉर अ बस राइट द साइट ऑफ द बस that travel between her village and the nearest town filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for Wali. तो कैसे वो जो साइड जैसे वो झलक देखती थी कि वो बस आ गई है वो शहर से गांव आती थी और गांव से शहर जाती थी तो हर बार देखती थी कि वो अब शहर से गांव आई है पैसेंजर्स को डी बोर्ड करेगी और फिर यहाँ से जब शहर की तरफ जाएगी तो नए पैसेंजर्स यहाँ पे बोर्ड करेंगे तो ये चीज़ देख के उसको बड़ा मज़ा आता था दिस वाज एक्चुअली द सोर्स ऑफ

जरूर वो एक बस का ट्रिप लेगी एक बस राइड लेगी वो और उसके लिए उसने बहुत सारी अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज करा उसने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को त्याग दिया जस्ट टू कलेक्ट दैट फेयर अमाउंट मतलब वो फेयर टिकट का जो फेयर होता है बस का जो फेयर है उतना अमाउंट एटलीस्ट मैं कलेक्ट कर लूँ उसके लिए उसने बहुत चीजों पर गिवअप करना पड़ा चलिए दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर पर्सनली आई रियली लाइक इट आई हाईली अप्रिशिएट द कैरेक्टर एंड द नेचर ऑफ वैली बट कुछ सेंस में वो गलत थी उसने मामा से अपनी बहुत बड़ी चीज़ छुपाई थी कि उसने नहीं बताया विदाउट पुटिंग इट इन हर मदर्स नोटिस शी वेंट फॉर अ बस राइड दैट टू टू अर टाउन अगर कल को कुछ मिसहैप uh, हो जाता तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल ममा को तो पता भी नहीं था बस ये चीज़ गलत थी अदरवाइज शी वॉज वेरी बोल्ड शी वॉज वेरी करेज वेरी डिटमेंट और अपने सपनों को साकार करना तो वली को बहुत अच्छे से आता था चलिए हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी हाउ डिड शी फाइंड दीज डिटेल्स तो वली व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी वली को बस जर्नी के बारे में क्या पता चला और उसने सारी इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढी तो जब लोग उतर के बातचीत करते थे ना इसने वहाँ से सारी चीज़ें सुन ली थी और कभी कुछ कुछ पूछ के डायरेक्टली वे में वो सब समझ गई थी सो वली फाउंड आउट द बस जर्नी टू द टाउन टुक फोर्टी फाइव मिनट्स एंड आन द वन वे फेयर क्वेश्चन थर्टी पैसा तो वली ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ढूंढी वॉट डिट वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी की जो बस जर्नी है ये जो एक वजिट जो जो विलेज से टाउन जाएगी और टाउन से जो विलेज आएगी जो वन साइड ट्रिप है विलेज से लेकर टाउन तक वो एक ट्रिप को 45 मिनट्स लगता है और एक बार का एक तरफ का जो किराया है वन वे जो फेयर है वो कॉस्ट करता है थर्टी पैसा

अबाउट बस जर्नी डी डिजायर सो दिस वे शी पिकड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी और इसी तरीके से इधर उधर से पूछताछ इधर उधर से सुन सुना के उसको बस जर्नी के बारे में कॉस्ट का पता चल गया कि एक टाइम का फेयर कितना एक साइड का फेयर कितना कॉस्ट करता है और कितना टाइम लगता है एक जगह एक वन विलेज से अगर वो टाउन जाएगी तो एक जो बस राइड होगी उसमें कितना टाइम लगेगा और उसमें कितना फेयर लगेगा उसने सब कुछ पता कर लिया था बहुत ही यू you नो know, बहुत विटी तरीके से बहुत इंटेलिजेंट तरीके से चलिए हेड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ थिंक वली प्लानिंग टू डू आपको क्या लगता है वली क्या करने वाली थी वॉट वॉज शी प्लानिंग टू डू ऑफकोर्स जब सब पता चल गया तो वो पैसे सेव करेगी और वो एक बस राइड तो लेके ही मानेगी सो वली वॉज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस तो वली का प्लान कुछ ऐसा था कि वो बस को बोर्ड कर, और ये सब कब करने वाले थे जब मम्मा एक आफ्टरनून नैप लेती है तो उसने प्लान करा फोर्टी फाइव मिनट्स आना फोर्टी फाइव मिनट्स जाना फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक लेगी वहाँ पे हॉल्ट करेगी बस पैसेंजर्स डी बोर्ड और बोर्ड करेंगे और फिर वापस मैं अपने विलेज आ जाऊँगी तो इस पूरे जरिए मुझे नाइन्टी मिनट्स लगेंगे और मैं फोर्टी फाइव तो आना जाना लग जाएगा फिफ्टीन मिनट्स हॉल्ट कल मिला के से मुझे हंड्रेड मिनट्स uh, लग जाएंगे जो होते हैं पौने दो घंटे प्रिसाइसली uh, पौने दो घंटे लग जाएंगे हंड्रेड फाइव मिनट्स वन ज़ीरो फाइव मिनट्स हो जाएंगे ठीक है तो पौने दो घंटे लग जाएंगे और मम्मा दो घंटे ढाई घंटे सोती है बढ़िया मैं घर भी आ जाऊँगी मम्मा को पता भी नहीं चलेगा तो वले ने प्लान करा एक आइडिया शी वॉज प्लानिंग टू गो टू टाउन एंड देन रिटर्न बाय द सेम बस मैं उसी बस में बैठी रहूँगी बस से नहीं उतरूँगी क्योंकि उसको बाहर कहीं नहीं जाना उसको टाउन वगैरह नहीं देखना उसको बस एक बस राइड का मजा लेना है तो वो डिसाइड करती मैं उस बस में बैठूंगी इतने बजे और उसी बस में बैठी रहूंगी कहीं उतरूंगी नहीं वहीं से वापस आ जाऊंगी तो फिर वो थर्टी पैसा वन वे एंड द राइट टुक फोर्टी फाइव मिनट्स इन दिस वे शी प्लान दैट शी वुड बी बैक बाय टू फोर्टी फाइव पे एम इफ़ शी टुक द बस एट वन पी एम और इसी तरीके से वल्ली प्लान करती है कि अगर वो एक बजे की बस ले ले तो आराम से वल्ली जो है वो टू फोर्टी फाइव तक घर अपने पहुँच पाएगी एक बजे से ले पौने दो तक पहुँचेगी दो बजे तक बस खाली होगी फिर नए पैसेंजर्स भरेंगे दो बजे बस टाउन से चलेगी और पौने तीन बजे डॉट उसके घर के बाहर विलेज में उतार देगी तो ऐसे वली ने प्लान करा और टिकट के बारे में उसको पता चल ही गया था एक साइड का थर्टी पैसे उसको टोटल सिक्सटी पैसे कलेक्ट करने थे चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक इज गिवेन एट पेज नंबर वन डबल टू ना कंडक्टर कॉल वली मैडम तो टाइटल ही बन गया है हमारा मैडम राइड्स द बस सो so, अब यहां पे कंडक्टर कोई स्पेशल रिस्पेक्ट नहीं देते एज सच वाली जो एक छोटी सी लड़की होती है बट एक्चुअली वो यहाँ पे बताना चाहती है ना एग्जाजरेट कर रहे हैं यहाँ पे कि एक छोटी सी लड़की जो बहुत समझदार साउंड कर रही है जब कंडक्टर उसको अपना हाथ देते हैं कि आओ बेटा ऊपर आ जाओ तो बोलती नो आई डोंट नीड हेल्प आई कैन डू माई सेल्फ फिर वो जब कोई कोई भी इंसान उसके पास आता है तो बोलती मैंने अपना पूरा टिकट का फेयर पे करा है थर्टी पैसा तो ऐसे बहुत

आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड चलिए अब हेड करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ वाई डज़ वर्ली स्टैंड अप ऑन द सीट वॉट डज शी सी नाव कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों की इन्फॉर्मेशन है जो आंसर है दैट इज एप्स्यूटली सेम सो वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट तो सबसे पहले वली खड़ी क्यों हो जाती है अपनी सीट पर बिकॉज जो आपने देखा होगा जब कभी आप अगर बस से ट्रेवल करते हो तो बस में ब्लाइंड्स लगे होते हैं ब्लाइंड्स क्या होता है एक तरीके का पर्दा होता है जिसको हम यू नो ऐसे 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 गोल गोल करके और वो जो उसके यू नो हॉरिजॉन्टल जो बार्स सॉरी जो वर्टिकल ऐसे ऐसे बार्स होते हैं वो ऐसे पूरे ओपन हो जाते हैं और फिर ऐसे पूरे क्लोज़ हो जाते हैं क्लोज़ हो जाएंगे तो पर्दा खुल जाता है ओपन हो जाता है तो पर्दा पूरा लग जाता है उनको ब्लाइंड वो तो पूरे थे जिसकी वजह

से पहले बस में ट्रेवल भी नहीं कर रहा था तो बस में बैठ के बस के मजे लेना चाहती थी और वो बाहर का पिक्चर सीख व्यू एंजॉय करना चाहती थी बट जब वो बाहर देखने की कोशिश कर रही थी तो शी फाउंडर व्यू ब्लॉग्ड बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो तो जब वो बाहर देखने की कोशिश कर रही थी तो जो कैनवास uh, के जो ब्लाइंड होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द विंडो को कवर कर रहे थे सो इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर व्यू तो अच्छे से ताकि सब कुछ दिख जाए विंडो वली uh, क्या करती है अपनी सीट पर खड़े हो जाती है शी स्ट अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड और ब्लाइंड के ऊपर से बिल्कुल ऐसे यू नो झाँकने लग जाती है कि क्या वा ऐसा हो रहा है uh. शी सौ कैनाल पाम ट्रीज ग्रास लैंड माउंटेन्स ग्रीन फील्ड्स एंड स्काय और जब वो विंडो के बाहर देखती है तो उसको बहुत ब्यूटिफुल्स देखने को मिलते हैं उसको केनाल देखने को मिलता है पाम ट्रीज देखने को मिलते हैं है। दूर दूर तक उसको ग्रास लैंड देखने को मिलता है ऑल्सो माउंटेंस ग्रीन फील्ड एंड ओपन स्काई देखने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डज शी सी ना तो उसने ये सारी चीज़ें देखी और वली सीट के ऊपर क्यों खड़ी हो जाती है तो ये सब देखने के लिए सो बोथ क्वेश्चन हैव द सेम आंसर ठीक है चलिए हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन वेन यू कॉल्स हर अ चाइल्ड ओ मुझे बच्चा बच्चा मत समझो बच्चा छोटा बच्चा समझ के हमको न समझाना रे तो वही वली भी रिप्लाई करती है व्हाट डज वाली टेल द एल्डरली मैन जब एक थोड़े से एज्ड पर्सन जब थोड़े से बुजुर्ग अंकल वो वाली को जब चाइल्ड करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा बैठ जाओ गिर जाओगी लग जाएगी थक जाएगी थक जाओगी तो तब वाली क्या बोलती है वाली रिप्लाई दो बट इन दस अ चाइल्ड वाली रिप्लाई करती है इस बस में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि एक बच्चा है शी टोल्ड डेट दा, शी आर पेड फेयर ऑफ थर्टी पैसा लाई तो क्लियरली बोलते कि मैंने पूरा का पूरा अपना बस फेयर दिया दैट इज थर्टी पैसा तो मैं बच्ची बच्ची नहीं हूँ प्लीज़ मुझे बच्ची बच्ची मत बोलिए आई एम अ ग्रोन अप पर्सन मैं अकेली ट्रेवल कर सकती हूँ ऐसा कुछ बताना चाहती थी और वो इग्नोर कर देती है वो अंकल की बात को नाउ Why didn't वाली uh, want to make friends uh, with the elderly woman? Oh जो उनके side में आई थी जो पांचवा रही थी, beetle nut leaf exactly सुपारी खा रही थी, so why didn't Wali want Why didn't Wally want to make friends with the elderly woman? तो वो उनसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाह रही थी ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वली बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी वो सो so, कॉल दादी जी से बिकॉज उनके मुँह में वो वो आ, सुपारी बीटिलट जिसे हम बोलते हैं सुपारी चबा रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि कब वो वली के मुँह पर स्पिट कर दे तो वली बहुत रिलक्टेंट थी वो लेडी से बात करने के लिए वाली डेंट वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन बिकॉज शी लुक क्वाइट रिपल्सिव बहुत रिपल्सिव लग रही थी बहुत अनोइंग लग रही थी वल्ली को और और टॉप ऑफ दैट कि उनके जो इयर लोब्स थे उनमें इतने वो कट हो गए थे बिकॉज उन्होंने इतने हैवी कुछ ईयर पहने होंगे तो वो भी बहुत अनोइंग लग रहा था वल्ली को हैड बिग ईयर होल्स एंड वॉज वेयरिंग अगली इयर उनके बड़े बड़े ईयर होल्स थे बड़े बड़े इयर

हेडिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिविन एट पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव सो हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर फर्स्ट जर्नी वॉज इट ईजी फॉर हर नहीं बिल्कुल भी एक छोटी सी बच्ची के लिए अपनी यू नो अपनी डिमांड्स अपनी इंटरेस्ट अपनी फैसिनेशनस की चीज़ों को लेना और उनको कट करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है तो जो चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है वो उनको कैसे मना करते हैं योगदा दिली जानता है तो वली के लिए भी ये काफ़ी टफ था बट Finally she could do with all her determination. So how did फाइनलील save money for her first journey? वली ने क्या कुछ नहीं करा अपनी फर्स्ट बस जर्नी के लिए पैसे बचाने के लिए वॉज इट ईजी फॉर क्या ये सब करना वली के लिए easy टास्क था नो नेवर सो वली हैड वेरी पेन्सटेकिंगली सेव्ड एवरी स्ट्रेक क्वाइंस डेट केम हर वे बाय रेजिस्टिंग एवरी अटेम्पटेशन टू बाईमेंस टॉयज़ बलून्स एट्सेट्रा तो वली को एक बहुत बड़ा कदम लेना पड़ा था दिल पे बहुत भारी पत्थर रखना पड़ा था टू सेव हर एक कोइन हर एक पेनी बचाने के लिए जो भी उसके वे में आया आ, भले इसमें उसको अपनी जो भी उसकी तीव्र इच्छाएं हो रही थी उसको उसको रोकना पड़ा उसको उसको रेजिस्ट करना पड़ा कि नहीं अब मैं ये नहीं लूँगी आई विल नॉट बाय पेपोमेंट्स जो छोटी छोटी वाइट कलर की जो गोलियां जैसी होती हैं जो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं पेपामेंस की उसने कोई भी टॉफ़ी नहीं ली टॉयज जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं वो भी नहीं लिया बलून्स कुछ भी नहीं लिया बिकॉज शी नीड टू कट ऑन Every temptation, just for the sake of saving the money to buy tickets for bus fare. So it had been very difficult for her. Actually, I can Even at the village fair, she resisted the temptation. आ, तो विलेज में जब गांव में और बहुत बड़ी चीज होती है जब गांव में जो मेला लगता है तो उसमें बच्चे कैसे रुक सकते हैं तो उसमें भी शी टेम्पटेशन टू तो बी ऑन द मेरी गो राउंड तो जो गोल गोल झूले होते हैं जिसमें हाथी घोड़े ऊँट लगे होते हैं जैसे छोटे बच्चे घूमते लकड़ी के हाथी घोड़े बने होते राइट गोल 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 घूमते हैं बच्चे तो मेरी उसमें बहुत सॉरी मेरी बोले वली वली को उसमें बहुत ज्यादा मजा आता था गोल घूमने बट शी रजिस्टेड शी रजिस्टेड की में नहीं जाना है बिक उसको पैसे सेव करने थे तो ये डिसीजन बहुत टफ था पैसे और फाइनली अपनी हर टेम्पटेशन हर इच्छा हर डिमांड को खट करते हुए वल्ली ने सक्सेसफुली टू एंड फ्रो के लिए अपनी पहली बस ट्रिप या पहली बस जर्नी के लिए उसने सक्सेसफुली सिक्सटी पैसे सेव कर लिए तो यहां से हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि अगर आप बच्चे चाहो है ना तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो अगर एक छोटी सी लड़की अपनी इच्छाओं को मार के अपने पैसे सेव कर सकती सकते एक बड़ी इच्छा को फुलफिल करने के लिए तो आप भी छोटी मोटी जो इच्छाएं होती है कि अभी खेल लेते हैं अभी व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं अभी रील बना लेते हैं अभी इंस्टा चेक कर लेते हैं तो छोटी छोटी इच्छाओं को अगर आप दबा दो या इनको इग्नोर कर दो या यू बिकम वेरी रेजिस्टेंट टू फुलफिल दीस स्मॉल नीड्स uh, बोल सकते हो तो आप जरूर कुछ बड़ा ड्रीम फुलफिल कर सकते हो दैट इज टू कम आप विद फ्लाइंग कलर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल कर सकते हो और लोग बोलते हैं कोई काम मुश्किल नहीं जब किया इरादा पक्का चलिए तो हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर अ फर्स्ट जर्नी वॉज इट इजी फॉर हर तो इसका आंसर हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया वली ने बहुत मेहनत से अपने बस के फेयर को बचाया था और उसको क्या क्या नहीं छोड़ना या त्यागना पड़ा वो वली का दिल ही जानता है और हम लोग भी तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना रेस yes, ठीक है चलो तो हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ गिवन एट पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव वॉन्टेड वली सी ऑन अर वे दैट मेड हर नाफ और वली को सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगी वो क्या चीज़ थी जाते हुए वली को बहुत ज़्यादा हंसा रही थी और जब लौट के आई तो वली बहुत ज़्यादा उदास हो गई वो सेम चीज़ थी तो जाते हुए वो खाओ विच वॉज़ वेरी लाइवली और जब लौट के आते हैं तो दैट लाइवली खाओ वो मोर विद लाइफ शी वॉज लाइफ लेस उसकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से वली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है बहुत सोरव फील करती है बहुत उसका हार्ट वॉज फिल्ड विद ग्रीफ सैडनेस तो दैट साइट ऑफ दैट यंग की कैसे वो पूँछ उठा के कार के ओ कार सॉरी बस के बिल्कुल रोड के बीचों बीच बस के बिल्कुल आगे दौड़ रही थी आपने देखा है ना जब गायें दौड़ती अपनी पूँछ उठा लेती और बिल्कुल वो साइड भी नहीं हो रही थी तो वो वाली देखो देख के बड़ा मजा आ रहा था सो ऑडर वॉली सी ऑन अर वे दैट मेड अर लाव सो वाली सॉ यंग वली ने एक यंग काउ को देखा टेल हाई इन द एयर रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रो इन फ्रंट ऑफ द बस और वो देख रही थी कि अपनी हाँ। अपनी जो पूछ है गाय की उसको हवा में उठाते हुए बिल्कुल रोड के बीचों बीच उस बस के सामने सामने दौड़ लगा रही है द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन सो दैट द मूव्स अवे अब जो ड्राइवर था वो बार बार हॉर्न बजाता ही लाइक कि गाय किसी तरीके से ऑफ द रोड हो जाए बट गाय तो बिल्कुल टच से मस्त नहीं हुई एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन सो दैट द दाउ मूव्स अवे बट

सो दिस इज़ वेरी क्लियर बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया वो साइट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था वन शॉर्ट में आई हूप इट इज़ वेल जस्टिफाइड चलिए नाउ इट्स टाइम टू हेड टू वर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डेंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन तो जब फाइनली बस आ, टाउन में पहुँच जाती है तो वल्ली वहाँ पर भी बस स्टेशन पर क्यों नहीं उतरती है वॉश ही अफरेड क्या उसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मे बी उसके पास पैसे नहीं थे एक्स्ट्रा मे भी द रीज़न या फिर शिव uh, uh, है तो छोटी ही बच्ची थी ना थोड़ा सा तो uh, उसको लगेगा ही ना कि यार मैं अनजान जगह पे कहीं जाऊँगी घूम जाऊँगी कुछ हो जाएगा तो बस उसको बस राइड लेनी थी दैट वाज द ओनली पर्पस और वो उसी बस में बैठ के वापस अपने होम टाउन आना चाहती थी अपने गाँव आना चाहती थी ठीक है सो वाई डेंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन सो दीज आर समल रीजन्स फटाफट से आंसर को चेक करते हैं वाली हार्ट प्लान बैट शी ओनली वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस वली का सिर्फ यही प्लान था उसको शहर में जाके इधर उधर की चीज़ें बड़े बड़े मॉल स्टोर्स डिपार्टमेंट्स ये सब नहीं देखना था उसको सिर्फ़ बस की एक राइड लेनी थी बिकीज़ वो अक्सर देखा करती थी अपने घर के गेट पर खड़े होके कि लोग कैसे आते हैं बस भर के आती है अलग लोग होते हैं फिर कुछ लोग उतरते हैं कुछ लोग चढ़ते हैं फिर ये बस जाती है फिर आती है तो बस वो उसको आ, राइड इन्जॉय करना चाहती थी बाय सेटिंग इन द बस और कुछ भी पर्पस नहीं था सो that she only wanted to ride on the bus she would spend 30 pesa on a fare go to the town and then come back by the same bus before her mother woke up she didn't uh, she uh, didn't uh, want time or money to go to see the town she uh, didn't have money or time to so, here, na to uske money thi neither she have money nahi uske paas time to go to uh, so She didn't have money or टाइम टू गो टू सी दिटा ना तो उसके पास पैसे थे उसके पास और ना ही उसके पास इतना समय था अगर वो वहीं पे घूमती रहती 15 मिनट्स वाली बस चली जाती फिर दूसरे एक घंटे बाद आती और तो तब तक ममा उठ जाती सो so, उसके दिमाग में सारे कंजर्नस भी थे तो उसने सिर्फ डिसाइड करा कि बस में जाऊँगी और उसी बस में बैठी रहूँगी जो हॉल्ट होगा जब पैसेंजर्स डी करेंगे नए पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे वहीं बैठी रहूँगी अपनी सीट पर और थर्टी पैसे और दे उसी बस से लौट के अपने टाउन आ जाऊँगी तो थोड़ी समझदारी भी दिखाई उसने थोड़ी सी तो डरी हुई थी क्योंकि छोटी सी बच्ची थी तो शी डिड अ वेरी शी took a very good decision that sitting on the same uh, place i would return my home so this is all about कि हमें पता चलता है कि वल्ली बस चाहते हुए भी बस स्टेशन से नहीं उतरी जब कंडक्टर ने भी ऑफर करा था ओके आई विल पे इट वुड बी अ ट्रीट फ्रॉम माय साइड तो वली वाज वेरी क्लियर नो नो मुझे नहीं चाहिए ना मुझे आपसे चाहिए ना मुझे खुद से चाहिए मुझे उतरना ही नहीं है नाउ चलिए हेड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ वाई डिन वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल टू हैव अ ड्रिंक वट डज दिस टेल यू अबाउट हर यू अबाउट दिस इज यू तो ये चीज़ आपको वली के बारे में क्या बताती है ओके सो वाई डेंट वली गो टू द स्टॉल वली स्टॉल पे वो जो जैसी बस स्टेशन बस आती है अपने पॉइंट पे और बस से लोग डिबोर्ड हो जाते हैं टाउन में सब लोग उतर जाते हैं अब नए पैसेंजर्स आने की बारी है तो तब भी वली बिल्कुल उतरती नहीं है इनफैक्ट कंडक्टर ने भी ऑफ़र करा कि आई एल पे इट वुड बी ट्री ट्रीट फ्रॉम माई साइड आई वुड ओ द बिल जितना भी बिल होगा आई वुड पे तब भी वली बहुत क्लियरली नो बोलती तो वाई वाई डेंट शी गो टू द स्टॉल टू हैव अ ड्रिंक क्यों नहीं उतरी वॉट डज़ दिस टेल यू अबाउट हर और इस चीज़ से कि खुद के पास भी पैसे नहीं थे वो चाहती थी छोटी बच्ची थी कोल्ड ड्रिंक्स ले सकती थी बट वो फिर भी रही Conductor नहीं उतरी कंडक्टर ने ऑफ़र करा कि मैं ट्रीट दे देता हूँ वो तब भी उसने बिल्कुल नहीं उतरी तो यह हमें वली के बारे में क्या बताता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं सो so, दैट बोला मैंने दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो वली हैड सेव्ड ओनली सिक्सटी पैसे फॉर द ट्रिप तो सबसे पहला सबसे डोमिनेंट रीजन तो ये है कि वली ने सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी पैसे ही बचाए थे अपने इस बस ट्रिप के लिए तीस पैसे आना तीस पैसे जाना उसके पास और पैसे नहीं थे वो बहुत ज़्यादा फिनानशली पुअर बैकग्राउंड से थी उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो एक कोल्ड ड्रिंक भी अफोर्ड कर ले उसने पैसे बहुत अपनी अपने डिज़ायर्स को कट कट करके उसने ये पैसे बचाए थे शी डेंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मनी ऑन ऑन द एस शी हैड टू कम बैक बाई द सेम बस एट एनी कॉस्ट और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो ऐसी कोई भी चीज़ पर uh, पैसा वेस्ट कर सके शी डेंट शी एक्चुअली डेंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मनी ऑन दी ड्रिंक्स और ऑन एनी ऑफ दि थिंग्स यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए ऑन द फूड ड्रिंक्स कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे वो इन में से कोई भी चीज़ पे अपना पैसा स्पेंड नहीं करना चाहती थी एड शी हैड टू कम बैक विद द सेम बस एट एनी कॉस्ट वही वाला कंसर्न है ना तो उसके पास टाइम था ना ही इतने पैसे थे पैसे भी सिर्फ सिक्सटी ही थे और टाइम भी बस लिमिटेड था तो कुछ भी हो जाए मम्मा के उठने से पहले तो उसको घर पहुँचे नहीं तो मम्मा जो पिटाई करेगी जो पिटाई करेगी वली को वली को मजा ही आ जाएगा तो वली बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी इसलिए उसने कोई भी स्नैक्स फूड ड्रिंक

टेल्स आस दैट शी वॉज अ वेल मैनड गर्ल सो इससे हमें क्या पता चलता है कि व, वली जो थी वो बिल्कुल uh, कम पैसे होने के बावजूद भी एक uh, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए भी वो लालची नहीं थी वो वेल मैनड well थी वो किसी भी चीज़ का अंडियो एडवांटेज नहीं लेना चाहती थी बहुत डिसिप्लिन थी उसने जिस चीज़ के लिए वो अपने जिस शौक़ के लिए उसने वो पैसे बचाए थे उस शौक़ को पूरा करेगी और उतने ही पर्पज़ को फुलफिल करके वो घर टाइम पर लौट जाएगी तो ये सारी चीज़ों का पता चलता है हमें अबाउट वाली फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई होप आपको भी बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई हैं वली के बारे में चैप्टर में भी आ गई होंगी अब और अच्छे से और क्लियरली बिल्कुल अच्छे से आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन जो आप पूछे गए हैं आपके चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद अभी हम वो क्वेश्चंस ले रहे थे जो आपके चैप्टर के बीचों बीच में दिए रहते हैं ओरल कॉम्प्रीहशन चेक की कैटेगरी में अब हम वो क्वेश्चंस ले रहे हैं चैप्टर के खत्म होने के बाद कंप्लीट चैप्टर की बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं जिसकी कैटेगरी होती है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट विच इज गिवेन एट पेज नंबर वन हेड करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ वट वॉज़ वलीज़ डीपेस्ट डिज़ायर फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस तो यहाँ पे हमें वली की डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी वो बताना है एंड वो वर्ड्स और फ्रेजेस बताने स्टोरी से जो हमें बताएंगे कि वली की डीपेस्ट डिज़ायर ऑफ कोर्स मैडम राइड द बस तो मैडम की इच्छा ही थी बस को राइड करने की और यही मैडम का डीपेस्ट डिजायर था एक दिल ते दिल से उसकी यही तीव्र इच्छा थी सो कौन से वर्ड्स और फ्रेज बताते हैं फटाफट से हम भी बता देते हैं वाली डीपेस्ट डिजायर वॉज टू गो ऑन अ बस राइड द वर्ड्स एंड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल दिस आर सोर्स ऑफ डिंग जॉय दैन स्टेयर विस्टफुली वली बहुत ध्यान से बाहर की चीज़ों को घूर रही थी एंड किंडल इनर लॉन्गिंग्स और अपने सपनों ख्यालों में एक दुनिया में डूबी हुई थी ड्रीम्स किंडल इनर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स और अपने सपनों में अपने ख्यालों में अपनी उम्मीदों में बहुत ज़्यादा डूबी हुई थी तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट सबसे जो डीप डिज़ायर था वो उसका बस राइड था और उसको कुछ नहीं चाहिए था उसी में खुश रहना चाहती थी और उसी में बहुत ज़्यादा साशिएटेड फील कर रही थी बहुत कंटेंडेड फील कर रही थी चलिए हेड करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड वट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर तो इसमें तीन चीज़ें पूछी गई इतना लंबा नहीं है कभी भी लॉन्ग आंसर्स को देख के डरिएगा नहीं सामना करिए डर के आगे जीते है। ठीक है सो so, वली uh, ने अपनी ये बस राइड देखो पार्ट्स में होगा पार्ट पार्ट करके लिखोगे मान लीजिए तीन क्वेश्चन है तो तीन हो गए फिर जस्ट डिफाइड तो डरिए घबराइए नहीं ठीक है हाउ डिट वली प्लान हर बस राइड वली ने अपनी बस राइड कैसे प्लान करी पहले वो देखती रहती थी उसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ फैसिनेशन बना उसका फिर वो आते जाते लोगों की बातें सुनती थी उनकी कॉन्वर्सेशन सुनती थी फिर कभी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लोगों से कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछने लगी अच्छा तो यहाँ अच्छा तो ये ऐसे से बताइए उससे उसको पता चल गया देन उसने कैसे प्लान करा जब लोगों से पूछताछ करी थोड़ा सा लोगों से सुन सुना के उसने अपनी बस को प्लान बस राइड को प्लान करा कितना इसका फेयर है और कितना टाइम लगता है कितने टाइम प्रिसाइसली चलती है पहुंचती है वो सब उसने कैलकुलेट कर लिया व्हाट डिड जी फाइंड आउट अबाउट द बस तो उसने बस के बारे में क्या कैलकुलेट करा टाइम के बारे में फेयर के बारे में एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर और उसने कैसे वो फेयर को सेव करा टू रेजिस्ट एवरी सिंगल टेम्पटेशन ऑफ हर चाहे वो मेरी गो राउंड पे झूलने की बात हो चाहे पेपर

तो देखो अब इतना सा पार्ट अगर हम देखें तो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था इससे पहले जो सेम क्वेश्चन आया था सेम पार्ट रिपीट कर देना ठीक है सो so, बहुत दिनों तक बहुत महीनों तक वल्ली बहुत ध्यान से उन लोगों की बातचीत को सुनती थी चाहे वो पड़ोसियों की हो या उन लोगों की हो जो रेगुलरली बस को यूज करते हैं और उनसे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछती थी यहाँ वहां से छोटे मोटे बड़े कुछ डीप क्वेश्चन शी केम टू नो दैट दैट द टाउन वो सिक्स माइल्स अवे फ्रॉम अ विलेज उसको अब फाइनली लोगों की बातचीत से इधर उधर से पता चला कि जो टाउन है उसके गांव से छ मील की दूरी पर है द बस फेयर वॉज थर्टी पैसा और वन वे अगर हम बात करें लाइक टून फ्रो की बात नहीं करें वन वे एक विलेज से लेकर टाउन जो एक ट्रिप है दैट वुड कॉस्ट थर्टी पैसा द बस वॉज द बस फेयर वॉज थर्टी पैसा एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स और बस को जो टाइम लगता था वन के लिए वो फोर्टी फाइव मिनट था और 30 पैसा चार्ज लेती थी या फेयर था शी ऑल जो थाट दैट इफ शी स्टेड इन द बस एंड केम बैक द सेम बस और वली ने ये भी सोचा कि अगर वो कि वो सेम बस में उसी में बैठी रहे लाइक जाए वो विज टाउन तक टाउन में उसी बस में रुके वो वहाँ से डीबोर्ड ना करे और लेट न्यू पैसेंजर्स बोर्ड द बस और वो उसी से रिटर्न आ जाए तो दैट वुड क्वास्ट हर हाउ मच तो ये यहाँ पे बताया शी ऑल्सोट दैट शी स्टेड इन द बस एंड केम बैक बाई द सेम बस इट वुस्ट हर थर्टी परसेंट जाने का और थर्टी परसेंट टाउन से अपने होम टाउन दैट इज विलेज वापस लौट के आने का शी पेंस टेकिंगली सेव्ड ईच एंड एवरी पैनी शी गॉड तो हर एक छोटी छोटी पैनी जो उसको मिली उसने बहुत मेहनत से उसको सेव करा राधर देन स्पेंड uh, करना रजिस्टिंग ऑल टेम्पटेशन टू बाईस टॉय ट्राइन ए राइट ऑन द मेरी गो राउंड एट दिलेज एंड वेलफेयर सो एज टू सेव सिक्सटी पैसा तो यहाँ पे क्या बताया उसने सारी जितनी भी उसकी तीव्र इच्छाएं थी बहुत ज्यादा वो फील कर रही थी बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही थी टू बाय बट उनने सबको रेजिस्ट करा सबको इग्नोर करा सबको कट करा अपने टेम्पटेशन को जैसे कि पेपरमेंट्स बच्चों को कैंडीज चॉकलेट्स टॉफीज बहुत पसंद होती तो उसने वो भी नहीं खरीदी टॉयज तक वो नहीं लिए उसने एंड इवन मेरी गो राउंड जो मेले की रौनक और मेले की जशान होती है दैट इज मेरी गो राउंड इसने वो झूला भी नहीं झूला जो साल में सिर्फ एक बार बिगज दैट इज एन एनुअल फेयर साल में एक बार ही लगता और वो भी उसने वो झूला एंजॉय नहीं करा तो उसने सारी जितनी भी उसकी बहुत डीप टेम्पटेशन थी सबको रेजिस्ट करा इन ऑर्डर टू सेव सिक्सटी पैसा बेगेज शी वॉज मोर क्यूरियस टू गो फॉर अ बस राइड और टू टेक अ बस राइड इट वॉज़ अ सीक्रेट ट्रिप यस ऑफकोर्स उसने अपनी मामा को नहीं बताया था ना उनको पता लगने दिया था सो इट वॉज अ सीक्रेट ट्रिप विश शी हैड प्लान विदाउट द नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स बिना अपने पेरेंट्स को बताए उसने सीक्रेटली इस ट्रिप को प्लान करा और वो अपनी जो डीप टेम्पटेशन थी उसको एन्जॉय करा सो आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर हो गए हाउ डिड वली प्लान आर बस राइट right, उसने अपनी बस राइट कैसे प्लान करी इधर उधर के लोगों से बातचीत कॉन्वर्सेशन uh, सुन के

so this is all done with three parts of the question i hope it is well justified now it's time to head towards next question what kind of person is wali to answer this question pick out the following sentence from

थी वाली। ना, वाली वास अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, आई मस्त से। राधा, क्यों? बिकॉज़ सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से पता चली कि उसने इंडिविजुअली इतनी छोटी लड़की होने के बावजूद भी उसने इंडिविजुअली बहुत सीक्रेट वे में वो बस ट्रिप को प्लान करा, बस राइट प्लान करा। उसके लिए वो कैसे अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करती है और अमाउंट सेव करती है और फिर कैसे प्लान करती है कि जब मोएगी एक नाप लेती थी, थी आफ्टरनून में तो उस टाइम में आई वुड प्लान बेस्ट टाइम वुड बी वन एंड आई बाई फोर या थ्री फोर्टी फाइव वुड एब्सोल्युटली रिटर्न माय होम बैक तो बहुत कॉन्फिडेंट थी जब कंडक्टर उनको हेल्प ऑफर करते हैं टू गेट इन द बस तो उसने बिल्कुल मना कर दिया नो आई एम वेल केपेबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ उसने किसी की भी कहीं भी हेल्प नहीं ली कभी so, to भी नहीं सोचा कि मैं तो बहुत छोटी हूँ मैं तो अभी बच्ची हूँ मैं अकेले बस में ट्रेवल नहीं कर सकती मैं टाउन विजिट नहीं कर सकती उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा लेट हर एज डॉमिनेट हर नीड हर डिमांड हर टिमटेश श्रीकांत सीडर हर सेल्फ अग्रो न कनेक्टेड लाइक वन और इसीलिए तो हमारे कंडक्टर सर ने भी वली को क्या टाइटल दे दिया था मैडम का टाइटल इज मैडम राइड तो मैडम क्यों बोला बिक इज बींग वेरी इनोसेंट गर्ल एक छोटी सी लड़की होने के बावजूद भी उसने कितने कॉन्फिडेंट तरीके से बस ट्रिप को प्लान करा बस ट्रिप लेती भी है एक्चुअली और कितने कॉन्फिडेंट मैनर में वो बस में अकेले ट्रेवल करके घर लौट भी आती है बहुत सीक्रेट वे में सो so, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि वो बिहेव करती थी एज अफ शी इज़ अ वेरी मेच्योर गर्ल शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल एंड आल्सो शी एक्टेड लाइक दैट कि वो ग्रोन अप है वो मेच्योर है वो इंडिपेंडेंट है सो आई होप दिस इज वेल जस्टिफाइड अबाउट दिस क्वेश्चंस पार्ट नाउ लेट्स इमीजिएटली हेड विद क्वेश्चन नंबर फोर

फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत छोटी लड़की होने के बावजूद भी शी बिहेव्ड इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे शी बिहेव्ड इन अ वेरी मेच्योर वे जिस तरीके से वो बात कर रही थी दैट वाज वेरी मेच्योर वो बहुत इंडिपेंडेंट फील uh, कर रही थी या वो किसी की भी हेल्प लेने के लिए ले रेडी नहीं थी सो इट साउंड्स लाइक है तो छोटी सी लड़की बट कितना मेच्योर तरीके से वो बिहेव करे एज इफ शी इज़ अ ग्रोन अप लेडी और शी इज़ अ मेच्योर गर्ल तो उसको मैडम का टाइटल दे दिया लाइक like, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ तो इन चीज़ों से डॉक्टर को लगा शी इज टाइट मजे मजाक में या उसको मैडम का टाइटल दे दिया बिल्कुल भी नहीं सोचा की वो एक छोटी सी बच्ची है तो और वल्ली ने कंडक्टर की हेल्प लेने से भी बिल्कुल मना करते जब अपना उसको हैंड ऑफर करते थे आइए बस में चढ़ने के लिए तब बिल्कुल मना कर देते i can take care of myself i don't need your help the top time bar conductor was a that she is very confident she is independent also and told him that she can manage on her own. और क्या reply कर दिया conductor को कि I don't need your help, I can manage on my own. तो इस चीज से पता चलता है और बाकी throughout जो bus में उसने जिस तरीके से behave करा इतनी maturity से इतनी समझदारी से this sounds that she is a very grown up kind of girl. और इसीलिए वाली को हमारे conductor ने title दे दिया madam. और इसीलिए chapter का भी title बन गया madam rides the bus. चलिए आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया है नाउ इट्स टाइम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो ride द क्वेश्चन बस तो यहाँ पे हमें क्या बताना हमें वो या precise lines बतानी है जो चैप्टर से ली गई है जो हमें बताती हैं कि वली ने बस राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा सबसे ज़्यादा क्या enjoy करा जो काओ बिल्कुल राइट uh, अवे right, uh, बिल्कुल वो बस के आगे बिल्कुल बीच रोड में भाग रही थी इन बार कूद रही थी अपनी टेल को उठा के तो दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट जो वाले ने, ने एंजॉय करा अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाहर जब अपनी uh, विंडो से वो देख नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ द ब्लाइंड तो उसने अपनी सीट पे खड़े होके उसने बाहर का जो पिक्चर सी सीन uh, था जो सीनिक ब्यूटी थी वो उसने देखना चाहा तो शो की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बाहर की चीज़ों को देखने में और अपनी बस राइड को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी सो so, वो लाइन जो है पिक करनी है टेक्स्ट uh, में से विथ स्टिल यू दैट वली वॉज इन्जॉयंग हर राइड ऑन द बस की वली अपने बस राइड को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी सो लेट स्टार्ट विद द आंसर वली थॉर राइट इन बस वाली ने थ्रू आउट अपनी बस राइड को इंजॉय करोड uh, uh, you know, बीच कूद रही थी और हॉक कर ड्राइवर को हॉक करने पर वो और जोर से वहां पर कूदने लग जाती और भागने लग जाती रोड के बीच में तो दिस मेड वाली लाफ अलाउड बट ऑन रिटर्न जब वो देखती जो अभी इतनी लाइवली uh, वे में कूद रही थी वो अब नाउ तो वो देख के वल्ली का दिल भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा उदास हो जाती है तो रिटर्न की जो जर्नी थी वो वल्ली की इतनी ज्यादा एंजॉयबल नहीं होती है ओके okay, बट जाते हुए तो शी थॉर इंजॉय फुलेस्ट इंजॉय करा वाली ने

तो बस जहाँ से क्रॉस होके जा रही थी एक केनाल था बड़े बड़े पाम के ट्रीज थे ग्रास लैंड थी डिस्टेंट माउंटेन्स थे ओह इट वाज ऑल सो वंडरफुल वली उन सबको देख के बोलती है वा इट्स सो वंडरफुल इसका मतलब वली ने इन चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय करा सारी ये चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वली दैट्स शी वर्ड समाइम सीम ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग और अ कम क्रॉसिंग द रोड बेस्ट पार्ट अब वली ने और क्या देखा कई बार उसको ऐसा लगता है से चलती है और छोटे, -छोटे वही सामने आते तो ऐसा लगता है की तेज स्पीड से आ रही है और बस बिल्कुल उनको खा गई है बिल्कुल गटक गई है बिकिस क्या होता है बड़े व्हीकल होते हैं बिल्कुल डोमिनेट करते हैं तेज स्पीड में चले जाते हैं छोटे वहीकल साइड से निकल जाते हैं तो वली ने तो पहली बार बस राइड करा तो उसको थोड़ा ना एग्जैक्ट एक्सपीरियंस पता था और छोटी चीज

वल्ली ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ ऐसी क्या मिसहैप या हैपनिंग हुई जिसकी वजह से वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक ध्यान रखिए ऑन हर वे बैक जाते हुए तो वल्ली बहुत एक्साइटेड थी बहुत एंक्शियस थी बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है और इस वजह ये कहाँ से हमें पता चलता है कि जो विंडो में जो ब्लाइंड लगे थे उसकी वजह से वो बाहर का नज़ारा देख नहीं पा रही थी तो वल्ली अपनी सीट पर बस की सीट पर खड़ी हो जाती है और विंडो के बाहर देखती है शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू तो लुक एट द आउटसाइड वर्ल्ड टू तो लुक टुवर्ड्स आउटर ब्यूटी बट ऑन हर रिटर्न जब बस टाउन से वापस विलेज लौट के आ रही थी तब ऐसा क्या हुआ कि वली का जो इंटरेस्ट था जो क्यूरियोसिटी थी जो एंशियसनेस थी वो बिल्कुल जीरो या बिल्कुल खत्म हो जाती है एंड नाउ वली वाज नो मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग आउटसाइड द विंडो तो ऐसी क्या चीज़ हुई लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आंसर सो वॉली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक एशी सॉ द डेड का क्योंकि अब क्या देखा जो अभी थोड़ी देर पहले जब वो टाउन जा रही थी थी वाली और वो जो बस जा रही थी तब वो जो खाओ थी फुल लाइवली थी बहुत मौज मस्ती कर रही थी बिल्कुल तेज तेज भाग रही थी जैसे कि तो वर्ल्ड कम टू तो एन एंड तो ये देख के वल्ली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वल्ली डिसाइड कर लेती अब मैं बाहर नहीं देखूंगी बिकॉज बाहर कि कुछ ऐसी चीजें देख के मुझे बहुत दुख हुआ या मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है वो ले लक आउट ऑफ द विंडो ऑन वे बैक एज शी सॉ द डेड बॉडी ऑफ द was रनिंग टूवर्ड्स द bus वेन शी वॉज गोइंग टू डाउन दिस मेड हर सैड एंड फ्राइड एन और ये सीन जब वली देखती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके साथ काफ़ी डर भी जाती है कि ऐसा कैसे होगा बिकॉज दिस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अ पर्सन ऑफ सच अ टेंडर एज एज ऑफ वली इट इज़ वेरी क्रिटिकल इट इज़ वेरी टिपिकल तो वली इस इंसिडेंट को देख के बहुत दुखी भी हो जाती है बहुत डर जाती है बहुत घबरा जाती है इसलिए वो डिसाइड करती है आई वुट क्विट लुकिंग आउटसाइड द विंडो

तो क्या वल्ली को मार पड़ने वाली है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो मम्मा को तो पता भी नहीं चला था तो वली देखती है कि उनकी मम्मा जो है और उनके साइड में एक उनके पास में उनके एरिया में एक आ, लेडी है बहुत टॉकेटिव सी है तो वो अपनी उनकी मामा से बात कर रही है और उस समय वल्ली अपने घर में एंटर कर रही होती है उनके बीच में क्या ऐसा कॉन्वर्सेशन हो रहा था जिसमें वल्ली कुछ रिप्लाई करती है तो यही वो क्वेश्चन है वट डज वल्ली मीन वेन शी सेज आई जस्ट अग्रींग विद विद यू विद यू ट यू सेट अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट नॉलेज अब जब ये स्टेटमेंट वो लेडी वली की ममा को बोलती तो वली घर जा रही होती बस से उतर के अभी अपने घर एंट्री कर रही होती है, तो वली भी निकलते निकलते हंस के इस स्टेटमेंट पे वो अपना कंसेंट देती है इस चीज को वो भी एक्नॉलेज कर लेती है तो हमें क्या बताना है इसका मतलब क्या था जब वल्ली ऐसा कंसेंट देती है क्योंकि वली की मम्मा को भी नहीं पता था कि वल्ली उनको बिना है, बस राइड लेने के लिए गई हुई है तो यही वो सेंटेंस था दैट आई वाज जस्ट अग्रींग विद यू व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज दुनिया में इतनी सारी चीजें होती जिनका हमें पता भी नहीं चलता है सो so, वाई एम मेकिंग द स्टेटमेंट वॉली वॉज ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट अबाउट तो यहाँ से बताना चाहती थी कि हाँ बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ें आस पास होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है तो वाली ये बता, छुपाना चाह रही थी कि हाँ मैं अभी भी, भी बस राइड लेके आई और आपको भी इस बारे में नहीं पता है She was also feeling elated at making a successful attempt at her plan. और वल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी किस चीज़ पर एट मेकिंग अ सक्सेसफुल प्लान at कि उसने जो प्लान करा था उसको सक्सेसफुली करके आई वो सक्सेस करके आई अपने प्लान को तो उस पे काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी और उसने जिस सीक्रेटली उसने घर से कदम बाहर की तरफ करे और उसी तरह से घर में, में एंट्री करती है तो ना तो जाने का पता चला और ना ही आने का तो उसका प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता और वाली इस पर बहुत ज्यादा खुश होती सो दिस इज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट आंसर नाउ ले

कैन यू फाइंड एविडेंस ऑफ द for फॉर ए स्टेटमेंट तो यहाँ पे ऑथर के बारे में बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं तो ऑथर डिस्क्राइब करते हैं उन चीज़ों को जो वली देखती है एक आठ साल की बच्चे के परस्पेक्टिव से मतलब आ, एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक आठ साल का बच्चा चीज़ों को कैसे परसीव करेगा एक अस्सी साल का बच्चा कैसे परसीव करेगा एक फोर्टी ईयर का पर्सन कैसे परसीव करेगा तो एक आठ साल की बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से के परस्पेक्टिव से के नज़रिए से ऑथर क्या डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर स्टेटमेंट और ऑथर के पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए क्या आप कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स ढूंढ सकते हो टेक्स्ट में से या चैप्टर में से तो वो हमें यहाँ पे बताना है चलिए यस yes, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब ऑथर बोलते हैं she was fascinated by the buzz and watching the buzz fill with a new set of people each time was a source of जॉय फॉर हर या फॉर वल्ली तो ये पहला स्टेटमेंट जहाँ से हमें पता चलता है कि एक आठ साल की बच्ची से वो बस को देख के बस राइड को इमेजिन करके भी कितनी खुशी होती होगी जो और किसी को नहीं हो सकती एक छोटी बच्चे को ही हो सकती है सो so, पहला एग्जाम्पल क्या था ऑथर बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थी बस को देख के और जब वो देखती थी कि बस में हर बार नए लोग बैठते हैं जब भी बस आती है और जब बस जाती है फिर कुछ नए लोग होते तो दस

वेन यू ऑथर डिस्क्राइब्स द बस जब वो बस का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो स्ट्रेस देते हैं ऑन द कलर ऑफ द बस ऐसा क्यों हुआ और बस किस टाइप की दिखती है कलर पे बस की कलर क्या है बस की लुक कैसी है क्यों और उसको क्या मेंशन करते हैं बस इज लाइक like

बच्चा कि उसको खुला आसमान और दूर दूर तक ग्रासलैंड्स जो है वो उसके अंदर बहुत एनर्जी इन, uh, आ, आ, आ कर रहे हैं अ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस फैसिनेटेड द चाइल्ड वेयर एज द साइट ऑफ अ डेड काउ ब्रॉट टीयर्स इन हर आईज़ एंड शी रिफ्यूज टू लुक आउटसाइड द विंडो ऑन हर रिटर्न जर्नी अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जब um, टाउन की तरफ जा रही होती है वाली, सो अ काउ रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अब उस छोटे से आठ साल की बच्ची को बल्कि जब वो रिटर्न में उसी गाव को डेड देखती है तो उसकी वजह से उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो डिसाइड करती है कि अब वो विंडो के बाहर बिल्कुल भी नहीं देखेगी तो ये सारी चीज़ें दिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एन एट ईयर ओल्ड चाइल्ड वेरी एप्टली या अप्रोप्रिएटली तो ये सारी जो चीजें वो एक आठ साल के बच्चे का या आठ साल की बच्ची दैट इज वली का बिहेवियर जो होता है चीजों के लिए वो बहुत सही तरीके से यहाँ पे हमें दर्शा रहा है आई होप इट इज़ वेल जस्टिफाइड तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चन जो आपके इन बिटवीन द चैप्टर दिए गए हैं या चैप्टर के एंड होने के बाद में दिए गए हैं एंड आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट कोई क्वेरी नहीं है इनके कोई डाउट कंफ्यूजन है सो प्लीज यू कैन ऑलवेज राइट योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट एस नो अबाउट यू सो विदीज वी आर डन अब मिलेंगे एमसीक्यू वाले सेशन में सो टिलन बाय बाय डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व